लाल सागर में इजरायली जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश की गई। टग बोट से जहाज जिबूती ले जाने की कोशिश हुई। हूती ने एक क्षतिग्रस्त जहाज पर एक बार फिर हमला किया, यानी तब जबकि उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी तब एक बार फिर हूती द्वारा इजरायली जहाज पर हमला किया गया है। लाल सागर से गुजरने वाला अब कोई भी युद्धपोत कार्गो शिप या फिर ऑयल टैंकर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से रहा हो, उस पर हूती लड़ाकों ने हमला किया है, उसे अपनी किलर मिसाइलों से राख किया है। मगर 24 घंटे पहले लाल सागर से अरब सागर तक वाया अदन की खाड़ी हूती ने ऐसा बारूदी ट्रेलर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। जी हां, 24 घंटे पहले हूती ने 3 आक्रमण करते हुए अमेरिका के युद्धपोत और इजराइल और इटली की कार्गो शिप को दहन तो किया ही, मगर इसके साथ साथ हूती ने अंडर वाटर अटैक के जरिए दुनिया के कई मुल्कों की इंटरनेट व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। आखिर कैसे हूती ने बढ़ाई ग्लोबल टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यमन के जिन हूती लड़ाकों को अमेरिका ने मामूली समझा, जिनके बारूदी धमक को इजराइल ने धुएं में उड़ा दिया, उन्हीं हूती लड़ाकों के बारूदी कहर से लाल सागर में कतर मचा हुआ है। यरूशलम से वॉशिंगटन तक कोहराम मचा हुआ है। वैसे तो रेड सी में सप्लाई चेन रोकने के लिए हूती लड़ाके बीते 2 महीनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, मगर बीते 24 घंटों में हूती ने रेड सी में 3 ऐसे बड़े आक्रमण को अंजाम दिया जिसे देख बाइडेन और नेतन्याहू के होश फाकता हो गए। जी हां, हूती ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलों से प्रहार किए, अरब सागर में इजराइल के कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया गया, अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप पर दोबारा हमला किया। चौबीस घंटे पहले यमन के हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइल के जरिए न सिर्फ लाल सागर में बारूदी कतर मचाया, बल्कि अदन की खाड़ी और अरब सागर में भी हूती की मिसाइलें जमकर गर्जी। हैरानी इस बात की है कि कल ही हूती ने अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप को मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त किया था। जिसके बाद कार्गो शिप से क्रू को खाली कराया गया, मगर हूती का मन इतने से भी नहीं भरा। इटली के कार्गो शिप पर दोबारा मिसाइलें तागी गईं। जिसके चलते इटली का कार्गो अदन की खाड़ी में जलमग्न हो गया। एक तरफ हूती सिलसिलेवार ढंग से हमले करते हुए लाल सागर में सप्लाई चेन को रोक रहा है, तो वहीं अब सप्लाई चेन के साथ हूती के टारगेट पर सबमरीन केबल भी आ चुकी है। जी हां, शिपिंग रूट के बाद हूती ने लाल सागर में ऑप्टिकल फाइबर केबल को निशाना बनाया है। 4 बड़ी इंटरनेट केबल हूती लड़ाकों ने नष्ट की। 25% तक ग्लोबल इंटरनेट सर्विस बाधित हुई। मतलब ये कि लाल सागर में अब हूती ने युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब
अब तक तो हुती सप्लाई चेन को बाधित कर रहा था, मगर अब हुती का मकसद इंटरनेट ठप करके दुनिया के बड़े हिस्से को काटना है। इंटरनेट से जुड़ी तमाम तरह के बुनियादी सुविधाओं पर लगाम लगाना है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। बीते एक सप्ताह में यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से गुजरने वाली 4 ऑप्टिक फाइबर केबल को अंडरवाटर अटैक में क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनमें शामिल है भारतीय कंपनी टाटा कम्युनिकेशन की TGN केबल, इसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और TGN फाइबर केबल से यूरोप और एशिया के कई देशों को इंटरनेट की सप्लाई होती है। लेकिन हूती लड़ाकों ने TGN केबल को कट कर दिया। इतना ही नहीं, TGN की तरह हूती ने हांगकांग बेस्ड HGC कम्युनिकेशन की फाइबर केबल को भी काट दिया, जो कि लाल सागर से गुजरते हुए यूरोपीय देशों में इंटरनेट की सप्लाई करती थी, मगर ये फाइबर केबल भी हूती हमलों की भेंट चढ़ गई। ठीक इसी तरह रेड सी से गुजरने वाली सीकॉम ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी हूती ने नष्ट कर दिया, जो कि अफ्रीकी देशों में नेटवर्क सप्लाई करती थी। आपको बता दें कि सीकॉम का हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। इसके अलावा अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी AT&T एंड वेरिजॉन की ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी हूती लड़ाकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये टेलीकॉम कंपनी एशिया और यूरोपीय देशों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती थी। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया के बड़े हिस्से में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की फाइबर केबल को अंडरवाटर ड्रोन यानी पोसाइडन और टॉर्पीडो के हमले में ध्वस्त किया है। लाल सागर से गुजरने वाली चारों फाइबर केबल के कट होने के साथ ही दुनिया के 3 महाद्वीपों में खलबली मच गई। क्योंकि हूती ने इन 4 बड़े प्रोवाइडर्स की फाइबर केबल को कट किया। उससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में इंटरनेट की सप्लाई होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इन 4 फाइबर केबल पर 95% इंटरनेट ट्रैफिक का लोड था। इनके नष्ट होने से बैंकिंग, डेटा ट्रांसफर और टेलीकॉम ठप हुआ। इसके अलावा ID बेस्ड सर्विसेज और कंप्यूटर कम्युनिकेशन भी बंद है। मतलब इंटरनेट से जुड़ी जो भी सुविधाएं इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर लगाम लग गई। हालांकि कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने अन्य नेटवर्क में स्विच करते हुए कुछ सेवाओं को सुरक्षित किया है, मगर इन फाइबर केबल्स को पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। यानी अब हूती ने इस अटैक के साथ ही अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को यह बता दिया है कि लाल सागर में अगर किसी का दबदबा है, अगर किसी की धमक है, तो वो है यमन के हूती लड़ाके। जो ना सिर्फ अपने हथियारों से विनाश कर सकते हैं, बल्कि युद्ध नीति में बदलाव करके भी दुनिया के देशों को अधर में लटका सकते हैं, खलबली मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। काला सागर में रूसी युद्धपोत पर यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में युद्धपोत पर 7 अफसरों की मौत हो गई है। युद्धपोत से 50 नेवी के ऑफिसर निकाले गए हैं। डूब रहे रूसी युद्धपोत को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। आज सुबह यूक्रेन के ड्रोन हमले में ध्वस्त हुआ था ये रूसी युद्धपोत। तो देखिए किस तरह से इस युद्धपोत को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में आज सुबह ये युद्धपोत ध्वस्त हुआ था। अभी भी कोशिश जारी है कि युद्धपोत को बचाया जा सके। यहाँ से जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर तैनात थे, 50 नेवी के ऑफिसर्स को यहाँ से बचाया गया। लेकिन इसके अलावा बड़ा नुकसान है ये रूस के लिए, एक युद्धपोत का नुकसान। काला सागर में रूसी युद्धपोत पर यूक्रेनी हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को।
काला सागर में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, इतना बड़ा विस्फोट कि मॉस्को थर्रा गया। यूक्रेनी फोर्स ने आज फिर से रूसी शिप को टारगेट किया। इस बार यूक्रेन के निशाने पर रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी हमले की वजह से रूस का ये युद्धपोत भी काला सागर में डूब गया है। तो सवाल यह है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जो नुकसान पहुंचा है उसका परिणाम क्या होगा, पुतिन का अगला कदम क्या होगा। सागर में वो हो गया है जिसकी कल्पना क्रेमलिन ने भी नहीं की थी। ब्लैक सी में यूक्रेनी फोर्स ने एक बार फिर से बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। 3 हफ्तों के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के दूसरे युद्धपोत को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के इसी विस्फोट के बाद से ही मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। जर्मनी और यूक्रेन के वॉर कमांडर्स ने क्रीमिया विध्वंस का जो प्लान बनाया था वो लॉन्च हो चुका है। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स 3 दिन से बड़ी तबाही मचा रही। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया 3 मार्च को लॉन्च हुआ और अब यह बहुत विध्वंसक रूप ले चुका है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के एक और युद्धपोत को डुबो दिया है। 3 हफ्ते के अंदर रूस का दूसरा युद्धपोत है जिसे यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी में बर्बाद कर दिया। पिछले महीने की 14 तारीख को काला सागर में यूक्रेन ने रूस के सेजर कोनिकोव को डुबो दिया था। 4 मार्च को ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के पेट्रोल शिप को टारगेट किया। इस शिप का नाम है सर्गेई कोतोव। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल शिप में क्रूज मिसाइलें रखी थी, 60 क्रू मेंबर थे, तभी यूक्रेन ने उस पर ड्रोन की बरसात कर दी। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि उसने रूस के पेट्रोलिंग शिप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के शिप को डुबो दिया, जबकि रूस की तरफ से इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया गया। रूस इस हमले को लेकर चुप्पी साधे हुए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस अटैक के बाद से मॉस्को में खलबली मची हुई। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला तब शुरू हुआ जब जर्मनी और यूक्रेन ने क्रीमिया को तबाह करने का प्लान बनाया। इस प्लान का खुलासा लीक ऑडियो से हुआ था। जर्मनी सेना के 2 अधिकारियों की बातचीत से ऑपरेशन क्रीमिया को लेकर विध्वंसक खुलासा हुआ था। 2 मार्च को यह ऑडियो टेप लीक हुआ और 3 मार्च से क्रीमिया में यूक्रेन का विस्फोट शुरू हो गया। तीन मार्च को यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में एक के बाद एक 40 ड्रोन हमले किए। 3 वजह से क्रीमिया ब्रिज को बंद करना पड़ा। क्रीमिया में एक बार फिर से कई गुरिल्ला हमले हुए हैं, जिसकी वजह से क्रीमिया ब्रिज को 3 दिन के अंदर दूसरी बार बंद करना पड़ा। क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमलों से रूस बौखला गया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ मेदवेदेव ने नया नक्शा जारी कर यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताया है। ये वो नक्शा है जिसे मेदवेदेव ने जारी किया है। ये रूस का भविष्य का नक्शा है। इसमें पुतिन का प्लान दर्ज है। ये यूक्रेन का नक्शा है। रूस आधे यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। ये नक्शा इसी बात का ऐलान कर रहा है। इसके अलावा रूस ने कीव के साथ सेंट्रल यूक्रेन को रोमानिया का हिस्सा बताया है। पश्चिमी यूक्रेन को पोलैंड का भूभाग करार दिया है, जबकि यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके को हंगरी की जमीन बताया है।
मतलब ये कि अगर रूस का ये प्लान कामयाब हुआ, अगर ये नक्शा हकीकत में बदला, तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा। असल में पुतिन एक बार फिर से सोवियत संघ वाली शक्ति हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जो भी देश रूस के खिलाफ है उन्हें ठिकाने लगाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। तो पुतिन का यूएसएसआर प्लान क्या है, अब उसे समझिए। पहले का जो सोवियत संघ था वो इस तरह का था जैसा कि हम आपको नक्शे में दिखा रहे हैं, लेकिन अब सोवियत संघ ऐसा नहीं है, तमाम देश उससे बाहर जा चुके हैं। लाल सागर का जो नक्शा दिख रहा है, रूस अब उतने तक ही सीमित है। पुतिन की कोशिश है कि वही पुरानी शक्ति वापस लाई जाए। जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान, ये वो देश हैं जो या तो रूस के समर्थक हैं या वो रूस का विरोध नहीं करते हैं। रूस को जिन पांच देशों से दिक्कत है वो हैं लिथुएनिया, एस्टोनिया, लात्विया, यूक्रेन और मोल्डोवा। रूस के टारगेट पर यही पांच देश हैं। पुतिन सेना या तो इन देशों का रूस में विलय कराना चाहती है या फिर इन देशों में रूस समर्थित सरकार बनाना चाहती है। रूस अगर ऐसा करने में सफल रहा तो उससे सोवियत संघ जैसी शक्ति फिर से मिल सकती है। सिर्फ मेदवेदेव ही नहीं बल्कि रूस के दो बड़े मंत्रियों ने भी जो कुछ कहा है वो पुतिन के यूएसएसआर प्लान का खुलासा कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अब यूरोप और अमेरिका का वजूद वैसा नहीं रहेगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ऐलान किया है कि नाटो ने रूस को अब मजबूर कर दिया है कि वो अपने यूएसएसआर वाले अस्तित्व को फिर से तैयार करें। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि रूस अब तभी रुकेगा जब उसे सोवियत संघ वाली ताकत फिर से हासिल हो जाएगी। इससे कम में रूस नहीं मानने वाला है। रूस की तरफ से यह गर्जना तब हुई जब यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया को लॉन्च किया। इसी के बाद से रूस ने यूक्रेन का वजूद मिटाने वाले प्लान का खुलासा किया। मेदवेदेव, लावरोव और शोइगु के विस्फोटक बयान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुतिन और उनकी सेना कुछ भी कर दे, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो रूसी फौज एटमी विस्फोट से भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स का भीषण हमला, 6 F-52 हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की गई। रूस के हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने तबाह हो गए हैं। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए सबसे भयावह खतरा बन चुका है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक पत्रिका में ये रिपोर्ट छापी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस पर पर्ल हार्बर जैसे हमले का प्लान बना चुका है। इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका एक स्पेशल फोर्स तैयार कर रहा है। रिपोर्ट लीक होने के बाद क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक हड़कंप है। अमेरिका का प्लान जानने के बाद रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। देखिए क्या है अमेरिका का प्लान और रूस का कैसे काउंटर अटैक है, कैसे धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है ये काउंटर अटैक। धरती पर सबसे बड़े संकट की टीवी 9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद इससे बड़ा वैश्विक संकट कभी नहीं छाया। इस संकट की वजह बना है रूस यूक्रेन का युद्ध। और इस युद्ध में पूरी ताकत झोंकने के बाद अमेरिका को मन मुताबिक नतीजे ना मिले, यूक्रेन युद्ध में उतरने के पीछे अमेरिका की मंशा थी रूस की सैन्य शक्ति घटाना, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करना, यूक्रेन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना। लेकिन पुतिन ने दांव उलट दिया। सैन्य शक्ति आपूर्ति के लिए ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन तैयार किया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का वैश्विक कारोबार जारी रहा। पुतिन ने लाल सागर और अरब के मोर्चे पर अमेरिका को फंसा दिया। अब अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की प्लानिंग तैयार की है। ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमेरिका ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए सहयोगी देशों की एक टास्क फोर्स तैयार की है। अमेरिका के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर ग्लोबल स्ट्राइक कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स में 13 से ज्यादा देश हो सकते हैं। हर देश को रूस के एक टारगेट पर हमला करने का मिशन दिया गया है। हर ठिकाने पर एक साथ अचानक हमला किया जाएगा। फाइटर जेट मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली लीक रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देश पहले रूस की घेराबंदी करके युद्ध अभ्यास करेंगे और अचानक एक साथ हमला किया जाएगा। रूस के दावे में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि रूस के बॉर्डर पर नाटो के 21 देशों ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। नॉर्वे में नेटो देशों की सेनाओं ने नॉर्डिक रिस्पांस युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिलहाल युद्धाभ्यास नॉर्वे से शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन में भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में नेटो के 13 देशों की सेनाएं शामिल हैं। 13 देशों के कुल 20,000 सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ 5,000 टैंक और सैन्य वाहन भी हैं। इस युद्धाभ्यास में नेटो के नए सदस्य फिनलैंड के 4,000 सैनिक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पोलैंड के सुवाल्की गैप में भी नेटो सेनाओं ने एक्सरसाइज ड्रैगन शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में नेटो के 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ 3,500 टैंक और सैन्य वाहन मैदान में हैं। इस युद्धाभ्यास में भी 20,000 सैनिक गोला बारूद बरसा रहे हैं। सुवाल्की गैप में स्टेडफास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास का ही अगला चरण शुरू हो चुका है। पोलैंड के पास सवाल की गैप के साथ साथ बाल्टिक देशों में भी नेटो सेनाएं पहुंचाई जा रही। जिस तरह नॉर्वे और पोलैंड में नेटो सेनाएं अचानक हमला करने का अभ्यास कर रही, उसी तरह बाल्टिक देशों में भी युद्ध अभ्यास होगा और फिनलैंड में भी नाटो सेनाएं वॉर ड्रिल करने वाली। एस्टोनिया और रूस की सीमा की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। इसके साथ सटे लातविया और रूस की सीमा 284 किलोमीटर है। फिनलैंड के साथ रूस की सीमा 1,340 किलोमीटर है। इन्हीं देशों से रूस पर सीधे हमले किए जाने की आशंका है।
पर सीधे हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अमेरिका की एक और वायर रूस ने टैप की। रूस पर हमले की योजना बनाने से पहले पेंटागन ने ब्रिटेन को परमाणु जखीरा युद्ध के लिए तैयार रखने को कहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूस सबसे पहले पलटवार ब्रिटेन पर करेगा। ब्रिटेन को जल थल नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु हथियार रेडी टू यूज मोड में रखने के लिए कहा गया है। दरअसल अमेरिका के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर हिरोशिमा जैसा हमला करके उसे सरेंडर को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय है कि रूस पर हमला अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन शुरू करा देगा। दूसरी स्थिति की आशंका सबसे ज्यादा डरावनी है क्योंकि पुतिन बीते हफ्ते ही ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध के लिए परमाणु हथियार तैयार हैं। रूस पर अगर अमेरिकी टास्क फोर्स ने सीधा हमला किया तो इसका जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। रूस ने दुनिया के महासागरों में परमाणु जखीरा तैनात कर दिया है। रूस ने 5 युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। इन युद्धपोतों पर 25 परमाणु मिसाइलें लगी हैं। इसके साथ ही इन युद्धपोतों पर 20 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की गई है। दूसरी तरफ रूस ने उत्तर अटलांटिक सागर में 6 सबमरीन तैनात कर रखी है। इसके साथ ही इन सभी सबमरीन पर 36 परमाणु टॉर्पीडो भी तैनात किए गए हैं। यानी रूस ब्रिटेन पर कभी भी एटमी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस की बेलगोरोद सबमरीन गश्त लगा रही है। मायामी से लेकर साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क और मेन तक इसकी रेंज है। अगर रूस पर हमला किया तो ये निश्चित है कि परमाणु विनाश का ऐसा पवंडर उठेगा जिसके भयावह अंत की कल्पना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के हथियार भले ही खत्म हो गए थे लेकिन बर्फबारी की वजह से रूस बड़े हमले करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। टैंक और आर्टिलरी की मूवमेंट बर्फ में मुश्किल होती है, इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जमीन साफ हो चुकी है, रूस के टैंक अब जंग में गदर कर सकते हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी खाली हो चुकी है, इसीलिए पलटवार करने की जगह यूक्रेन के सैनिकों को मोर्चे से भागना पड़ रहा है। हवा और जमीन से लगातार प्रहार ने यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चुकी है बर्फ और धधकने लगी है यूक्रेन की जमीन। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स और MLRS को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अब कोई अड़चन नहीं है। कुदरत का कवच या बर्फ के हटते ही यूक्रेन की सेना कई मोर्चे पर घिरने लगी। रूस के टैंकों ने चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन में मौजूद नाटो के हथियार भस्म हो रहे हैं। रूस का मकसद नाटो से मिले हर घातक हथियार को खत्म करने का है।
दो अमेरिकी अब्राम्स को नष्ट करने के बाद रूस का मिशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन में मौजूद करीब करीब सभी लेपर्ड टैंक खत्म कर चुका है। यूक्रेन में चैलेंजर टैंक की संख्या भी ना के बराबर बची है और अब अब्राम्स टैंक को तलाश कर खत्म किया जा रहा है। जमीन से बर्फ हटते ही रूस की इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। जिन जगहों पर यूक्रेन की सेना ने मोर्चा बनाया है वहां एमएलआरएस से ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। हथियार और गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेन पलटवार की हालत में नहीं है, इसीलिए कई इलाकों से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। डोनेस में यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। जेपोरेजिया में भी यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। खेरसोन और सूमी जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी है। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हवाई ताकत का इस्तेमाल किया और यूक्रेन की आर्मी जिन इलाकों में है उसे पूरी तरह से भस्म कर देने का मिशन चल रहा है। रूस की वायुसेना पूर्वी यूक्रेन में गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रही है। डोनबास के इलाके में रूस की सेना कैप बम का इस्तेमाल कर रही है। 500 हजार और 1500 किलो के बम से हमला किया जा रहा है। सुखोई 34 एयरक्राफ्ट से लगातार बमबारी हो रही है। K-52 और MiG हेलीकॉप्टर से रॉकेट का प्रहार किया जा रहा है। लगातार हवाई हमलों की वजह से रूस को अपने कई फाइटर जेट गंवाने पड़े हैं। फरवरी में 10 सुखोई 34 गिरा दिए गए, 2 सुखोई 35 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए, जबकि एक A-50 लॉन्ग रेंज रडार एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया। मार्च में मारियोपोल के पास भी एक सुखोई 34 गिराया गया। अगले दिन फिर यूक्रेन ने एक सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 31 दिन में यूक्रेन ने रूस के 15 विमानों को गिरा दिया। दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन में मौजूदा नेटो देशों के हथियारों को चुन चुन कर खत्म करने के मिशन पर है। रूस के टारगेट पर वो हथियार है जिन्हें नाटो बेहद घातक बताता है और यूक्रेन में पिछले 2 सालों से मौजूद है। रूस की आर्मी के टारगेट पर हाइमर सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल, पैट्रियट एयर डिफेंस, नेसेम्स एयर डिफेंस, आयरिश टी एयर डिफेंस, रडार स्टेशन और आर्टिलरी। रात के अंधेरे में भी गोलीबारी थम नहीं रही। ये रूस का ग्रेट MLRS है। MLRS से अवदीपका में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन के आर्टेमोस इलाके में यूक्रेन के हथियारों को नष्ट करने का अभियान चल रहा है। रूस के ड्रोन इस इलाके में घातक हमले कर रहे हैं। लगातार नुकसान झेल रही यूक्रेनी सेना को रूस के एक हथियार के जखीरे को खत्म करने में कामयाबी मिली। यूक्रेन ने यह हमला ड्रोन से किया। हमले में जमीन के नीचे रखा हथियारों का जखीरा धमाके के साथ नष्ट हो गया। खेरसोन में भी यूक्रेन को कामयाबी मिली। यहाँ यूक्रेन की वायुसेना ने हैमर एरियर बम का इस्तेमाल किया और रूसी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। अवदीवका के स्टेपोव इलाके में रूस के सैनिकों को रात के वक्त यूक्रेनी ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस के सैनिक जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते रहे लेकिन यूक्रेन के ड्रोन कैमरे और कहर से खुद को बचा नहीं सके। जेपोरेजिया में रूसी कमांड सेंटर पर यूक्रेन ने हमला किया। हाइमर्स से कमांड सेंटर में कई धमाके किए गए। हमले के वक्त रूस के अफसर बैठक कर रहे थे। रूस के कई अफसर और कमांडर बैठक में मौजूद थे। टैंक और आर्टिलरी के युद्ध के बीच रूस ने अपने अर्माटा टैंक्स को युद्ध से हटाने का फैसला किया है।
जर्मन रक्षा मंत्रालय से नेटो का टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद नेटो संगठन में फूट पड़ती दिख रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि जर्मन वायुसेना प्रमुख के बयान ने पुतिन को मदद पहुंचाने का काम किया है। रिपोर्ट लीक होने के बाद रूस के साथ सीधे युद्ध का खतरा तो बढ़ ही गया है, नेटो के सीक्रेट कोड भी लीक हो चुके हैं। अब रूस को नेटो के हथियार सप्लाई के कोड और इनक्रिप्टेड भाषा के कोड भी मिल चुके हैं। रूस इन सब का इस्तेमाल करके कैसे नेटो को नुकसान पहुंचा सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। नाटो संगठन के देशों में एक नारा चल निकला है, कहा जा रहा है कि शेम शेम जर्मनी। इसकी वजह है जर्मन वायुसेना प्रमुख के बयान से लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट। टॉप सीक्रेट रूस के हाथ लग चुके हैं और जर्मनी को देश विदेश में शर्मिंदा किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि जर्मन एयरफोर्स एनक्रिप्शन यानी कूट भाषा नहीं जानती। जर्मन मीडिया कह रहा है कि जर्मन एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट का पासवर्ड 1234 है। ब्रिटेन ने कहा है कि जर्मन वायुसेना प्रमुख पुतिन के मित्र हैं। नाटो की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया। जर्मनी के राजदूत अलेक्जेंडर ग्राफ लैम्सडॉर्फ जैसे ही विदेश मंत्रालय पहुंचे, उन्हें रूसी मीडिया ने घेर। जर्मन राजदूत मीडिया को नजरअंदाज कर विदेश मंत्रालय की इमारत में चले गए और जर्मन चांसलर के बयान को दोहराते हुए सफाई दी कि यूक्रेन युद्ध पर चर्चा का मतलब रूस पर हमले की साजिश नहीं है। जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने भी जर्मनी को कड़ी चेतावनी दी। जाखारोवा ने कहा है, जर्मनी की बातचीत लीक होने से पता लगा कि नाजीवाद खत्म नहीं हुआ है। जर्मनी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया तो उसके लिए परिणाम आतंकित करने वाले होंगे। जर्मनी टॉप सीक्रेट लीक करने के बाद नाटो की आंतरिक फूट में फंस गया है। इसके साथ ही नाटो के अहम प्लान और उनको लागू करने के तरीके भी रूस जान गया है। जर्मन वायुसेना कमांडर ने कहा था कि ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल की डिलीवरी का रूट पोलैंड से गुजरता है। ब्रिटेन एसयूवी और रिजबैक आर्म्ड व्हीकल से स्टॉर्म शैडो की सप्लाई करता है। फ्रांस स्कैल्प मिसाइल यूक्रेनी वाहनों में लोड करके पहुंचाता है। क्या हम भी स्कैल्प मिसाइल रिजबैक आर्म्ड व्हीकल पर लोड करके पहुंचा सकते हैं? इससे ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक मिसाइलें पहुंचाना आसान होगा। रूसी मीडिया ने लीक हुई जर्मन रिपोर्ट के वही हिस्से प्रकाशित किए हैं जिनसे जर्मनी को रूस पर हमले की साजिश का दोषी ठहराया जा सके। लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय को कई अहम कोड भी मिले। जर्मन कमांडर ने बातचीत में कई कोड और एनक्रिप्शन का जिक्र किया। रूस ने जर्मन वायुसेना के कंप्यूटर से कई गोपनीय दस्तावेज भी हासिल किए हैं। रूस के पास नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक की तैनाती के कई ब्लूप्रिंट हैं। नाटो का अगला 3 महीने का प्लान रूस के पास पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई काट देगा। इसके साथ साथ रूसी बॉर्डर के नजदीक नाटो सेना के अहम ठिकानों और हथियार गोदामों की सटीक लोकेशन भी रूस को मिल चुकी है। रूस नाटो के इन गोदामों पर एजेंटों के जरिए हमला करा सकता है। जर्मन वायुसेना की एक गलती ने बाइडेन का पूरा प्लान चौपट कर दिया है।
और इसीलिए नाटो संगठन में फूट पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। पंद्रह दिनों से यूक्रेन का काउंटर अटैक क्यों सफल हो रहा है? रूसी सेना के सुखोई विमान क्यों ध्वस्त हो रहे हैं? इसको लेकर बहुत ही बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में अमेरिका F-35 फाइटर जेट की एंट्री हो गई है। इसी के बाद से यूक्रेन युद्ध में वापसी करने में सफल हो रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये दावा, ये जानकारी कितनी सच है? अगर ये दावा साबित हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? यूक्रेन युद्ध में सुपर पावर का घातक योद्धा उतर चुका है। क्या युद्ध के आसमान में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट उड़ान भर रहा है? क्या रूसी धरती पर अमेरिका के पांचवी पीढ़ी का विमान तबाही मचा रहा है? रूसी सेना को जो दो हफ्तों में नुकसान पहुंचा है वो F-35 की वजह से पहुंचा है। क्या यूक्रेन का नया काउंटर अटैक इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि F-35 गर्जना कर रहा है? युद्ध के मैदान में इस वक्त इन्हीं सवालों, इन्हीं आशंकाओं का शोर और जोर। अमेरिका रूसी धरती पर F-35 से हमला कर रहा है, इस बात का शक क्यों गहरा गया? इस पर वर्ल्ड वाइड चर्चा क्यों हो रही है? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस थ्योरी को बल क्यों और कैसे मिला, पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल पिछले 15 दिनों में रूस के 15 घातक विमान तबाह हो चुके हैं। इनमें 14 सुखोई विमान और एक A-50 सर्विलांस विमान। इतना ही नहीं, दो हफ्तों के अंदर यूक्रेन रूस के 18 एनर्जी ठिकानों पर हमले कर चुका है। ये वही यूक्रेन है जो 15 दिन पहले बहुत कमजोर था। ये वही यूक्रेनी फोर्स है जिसके बारे में 15 दिन पहले कहा जा रहा था कि रूस के प्रहार से उसकी कमर टूट चुकी है, उसके पास न सैनिक है ना ही हथियार। लेकिन अचानक यूक्रेन ने नया काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस यूक्रेन को कमजोर और लाचार माना जा रहा था, उसने युद्ध भूमि के साथ साथ रूस की धरती पर ही भीषण हमले करने शुरू कर दिए। 15 दिन से यूक्रेन के ज्यादातर बड़े हमले कामयाब हो रहे हैं। अब तो उसने ऑपरेशन क्रीमिया भी लॉन्च कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 15 दिन के अंदर ही युद्ध में यूक्रेन की वापसी कैसे होगी? यूक्रेनी फोर्स अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? उसका हर बड़ा हमला कामयाब कैसे हो रहा है? नॉर्थ कोरिया से एक बार फिर युद्ध की धमकी आई है। वजह अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्ध अभ्यास की शुरुआत है। किम जोंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। दूसरी तरफ युद्ध अभ्यास के बहाने अमेरिका किम जोंग को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला है। ऐसे में कहीं भी एक छोटी सी चूक युद्ध की वजह बन सकती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक दूसरे की जासूसी को लेकर भी तनाव बढ़ गया है।
उनका सब्र जवाब देने लगा है। इतनी मिसाइलों का प्रदर्शन, इतनी धमकी और साउथ कोरिया को डराने की इतनी कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। साउथ कोरिया फिर ताल ठोक रहा है। अमेरिका की सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। जैसी उम्मीद थी किम ने वैसा ही किया। साउथ कोरिया और अमेरिका का युद्ध अभ्यास शुरू होते ही किम जोंग आग बबूला हो गए। इस बार खामोश रहकर मिसाइल धमाका नहीं किया, बल्कि किम जोंग ने सीधे तौर पर साउथ कोरिया और अमेरिका को युद्ध की धमकी दे दी। 4 मार्च से दक्षिण कोरिया अमेरिका का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। 11 दिन तक दोनों देशों का युद्ध अभ्यास चलने वाला है। दोनों देशों ने साल 2023 में भी युद्ध अभ्यास किया था। पिछले साल भी युद्ध अभ्यास के दौरान किम जोंग ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया था और माना जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया फिर मिसाइलों की ताकत दिखाएगा। हथियारों के युद्ध से अलग इन दिनों एक साइलेंट वॉर भी चल रही है, जिसे किम जोंग के जासूस अंजाम दे रहे हैं। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि पिछले दिनों कुछ हैकर्स ने 2 कंपनियों को निशाना बनाया। साउथ कोरिया के चिप बनाने वाली कंपनी का डेटा चोरी किया गया। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी से भी डेटा चोरी की गई। साउथ कोरिया का आरोप है कि सुरक्षा से जुड़े कुछ आंकड़े भी चुराए गए। दिसंबर से लेकर जनवरी तक नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने साउथ कोरिया की कई कंपनी में सेंधमारी करने की कोशिश की थी।